हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज स्वाति देशपांडे टीचर। आज हम लोग फिफ्थ स्टैंडर्ड का महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का जो मैथ्स का बुक है उसमें चैप्टर नंबर 9 है, डेसिमल फ्रैक्शंस, उसमें प्रॉब्लम सेट नंबर 41 है, वो आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। सी स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे लिखा है। व्हाट इज द इंस्ट्रक्शन? कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डेसिमल फ्रैक्शंस एंड ऐड देम। ओके, 1.5 मीटर, 1.5 कैसे लिखना है वो हम लोगों ने प्रॉब्लम सेट 40 में देखा है। ओके, तो अभी हमें पता है कैसे लिखना है। 1.5, हाफ इज 50 मीटर्स। ओके, एंड मतलब ऐड करना है। 2.5 मीटर्स, 2.5 मीटर्स। बच्चे लोग, एक ही इंस्ट्रक्शन है, इधर डेसिमल पॉइंट के नीचे ही डेसिमल पॉइंट आना चाहिए, इधर उधर नहीं, बिल्कुल नीचे। ओके, अकॉर्डिंगली अदर डिजिट्स यू नीड टू एडजस्ट। सो 1.50 प्लस 2.50। नाउ एडिशन इज वेरी सिंपल, 0 0 0, 5 प्लस 5 10, 1 कैरी, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 1 प्लस 1 2 2 प्लस 2 4 4.00 इज द आंसर, और 4 meters is the answer because this is meter. So let us write answer in meters. Okay? चलो आगे बढ़ते हैं। 4¾ rupees, 4¾, that is 0.75, and 7¼ rupees, 7¼, that is 0.25. Add करते हैं। Addition is very simple. 5 plus 5 10, so 1 carry. 1 plus 7 8 8 plus 2 10, so 1 carry, point के नीचे point, decimal के नीचे decimal, 1 plus 4 5 5 plus 7 12, so 12.00 is the answer, it means 12 rupees 00 पैसे 00 है, so 12 rupees। चलो आगे बढ़ते हैं। 6.5 meters, 6.5 meters, and 3¾, 3¾ is 0.75. चलो add करते हैं। 0 plus 5 5 5 plus 7 12, so 1 carry, decimal के नीचे बराबर decimal, 1 plus 6 7 7 plus 3 10, so it is 10¼ meters. okay, so लिखते हैं इधर 10¼ meters is the answer. This is our answer. So simple, है ना बच्चे लोग? चलो आगे बढ़ते हैं। Students, मैंने question number 2 board पे लिखा है पूरा। There are 4 sums. See, इसमें हमें decimal fractions की addition करनी है। बच्चे लोग, इसमें एक ही instruction है जो आपको फॉलो करनी है, दैट इज डेसिमल के नीचे डेसिमल आना जरूरी है। अगर वो इधर उधर हिल गया तो आपका आंसर रॉन्ग आने वाला है। सो ओनली वन थिंग, वेरी इजी, डेसिमल के नीचे डेसिमल। चलो स्टार्ट करते हैं। जो उन्होंने हॉरिजॉन्टल फॉर्म में दिया है वो हम लोग वर्टिकली लिख लेते हैं। पहले 23.4 प्लस 87.9, देखो पॉइंट के नीचे पॉइंट, बाद में एडिशन इज वेरी इजी, 4 प्लस 9 13, 1 कैरी, पॉइंट के नीचे पॉइंट, बाद में आगे बढ़ो। ओके, 1 प्लस 3 4, 4 प्लस 7 11, सो 1 कैरी, 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 8 11, सो 111.3 इज द आंसर। सो इजी, इजंट इट? चलो आगे बढ़ते हैं। 35.74 प्लस 816.6, ये 6 में 4 के नीचे नहीं ले सकती, डेसिमल के बिल्कुल बाजू में है ये 6, 7 जैसा है वैसे ही, सो 7 के नीचे आना चाहिए, 8 में 3 के नीचे नहीं ले सकती बिकॉज बिगिनिंग ऑफ द नंबर इज 8, सो आई कैन नॉट स्टार्ट राइटिंग फ्रॉम हियर। ओके, दिस इज 100, सो इट विल मूव दिस साइड, 6 इज यूनिट, सो 5 के नीचे 6, 3 के नीचे 1, और 8 इंडिपेंडेंट आएगा इधर, क्योंकि इधर 100 है नहीं। दिस राइटिंग विल डिसाइड वेदर
आपका सम बराबर होने वाला है कि नहीं। इधर बच्चे लोग अगर कंफ्यूजन हो रहा है और आपकी स्कूल अगर माइंड नहीं करती है तो यू कैन ऐड जीरो जीरो, ये जीरो और ये जीरो, दोनों का कुछ मीनिंग नहीं है, लेकिन सब नंबर्स प्लेसेस फिल अगर होते हैं तो मिस्टेक नहीं होती। तो इसके लिए अगर स्कूल इंसिस्ट करती है कि लिखो तो लिखो, अगर नहीं लिखना है, स्कूल बोलती है कि नहीं लिखना है तो मत लिखो। फोर के नीचे कुछ नहीं है, मतलब फोर ऐसे भी हो सकता है, डजंट मैटर। ओके, सो 7 + 6 = 13, सो 1 कैरी, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 1 + 5 = 6, 6 + 6 = 12, सो 1 कैरी 5, और 0 = 8, सो 852.34 इज द आंसर। एडिशन इज वेरी इजी, ओनली थिंग इज कैसे लिखते हो, सिस्टमैटिक लिखना बहुत जरूरी है। 6.95 + 74.88, 7 में 6 के नीचे नहीं ले सकती, 7 इज इन टेंस प्लेस, 6 एंड 4 आर इन यूनिट्स प्लेस, सो वो एक दूसरे के नीचे आने चाहिए, राइट। सो 5 + 8 = 13, 18, 1 कैरी, पॉइंट के नीचे पॉइंट, इधर डेसिमल आ गया, ओके, सो दिस इज 11 एंड 8, 81.83 इज द आंसर। कैसे सिस्टमैटिक लिखते हो उस पर डिपेंड करता है आपका आंसर करेक्ट होगा या रॉन्ग, और कुछ डेसिमल फ्रैक्शन में ज्यादा है नहीं, इट इज वेरी सिंपल टॉपिक, ओके। चलो 41.03 + 9.98 मैंने लिख दिया है, स्टार्ट करते हैं एडिशन। 3 + 8 = 11, 1 कैरी, 1 + 9 = 10, सो 1 कैरी हियर, डेसिमल के नीचे डेसिमल, 1 + 1 = 2, 2 + 9 = 11, 1 + 4 = 5, 51.01 इज द आंसर। कितना इजी है कि नहीं, सिस्टमेटिक लिखो बच्चे लोग, डेसिमल के नीचे डेसिमल, अकॉर्डिंगली आप नंबर्स लिख सकते हो। डेसिमल के जो बाजू में नंबर है वो शिफ्ट नहीं करना है, डेसिमल के बाजू में वो बाजू में ही आएगा, ओके। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि सिस्टमैटिक लिखना, दैट इज द की फैक्टर हियर, ओके। चलो क्वेश्चन नंबर 3 भी करते हैं बच्चों, मैंने थर्ड क्वेश्चन भी बोर्ड पे लिखा है, इधर भी हमें एडिशन ही करनी है, लेकिन सेंटीमीटर है, मीटर है, रुपीज है, कोई फर्क नहीं पड़ता, रूल फॉर एडिशन इज सेम। सो पहले लिखो 51.4 + 68.5, बस डेसिमल के नीचे डेसिमल, ये अपना रूल है। सो 4 + 5 = 9, डेसिमल के नीचे डेसिमल, 1 + 8 = 9, 5 + 6 = 11, सो 119.9 सेंटीमीटर, दिस इज आवर आंसर, सो सिंपल। चलो आगे बढ़ते हैं, 94.7 + इधर बी केयरफुल, 1738.45, सो कैसे लिखना है, 38 ये इसके नीचे आएगा, 17 विल कम हियर, एंड दिस इज एडिशन, 0.45, ये अगर बराबर लिखते हो बच्चे लोग तो आपका आंसर करेक्ट ही आने वाला है। डेसिमल के नीचे डेसिमल, 94 के नीचे 38 आएगा, 17 नहीं, ओके, और 7 के नीचे 5 नहीं आ सकता, 4, डेसिमल के बाजू वाला नंबर, डेसिमल के बाजू वाला नंबर एक दूसरे के नीचे, अगर पॉसिबल है तो ये जीरोस करके फिलअप कर सकते हो, सो दैट कंफ्यूजन इज रिड्यूस्ड, ओके। 0 + 5 = 5, 7 + 4 = 11, सो 1 कैरी, डेसिमल के नीचे डेसिमल आएगा इधर, 5 + 8 = 13, अगेन हियर 13, ये 8 और ये 1, सो आंसर इज 1833.15 मीटर, दिस इज आवर आंसर। कितना इजी है, एडिशन इज वेरी इजी। चलो आगे बढ़ते हैं, रुपीज, रुपीज हो, मीटर हो, कुछ भी हो, लीटर हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, डेसिमल के नीचे डेसिमल ये की फैक्टर है, मैंने बोला है। 841 ठीक से लिखो, पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए, 5 + 5 = 10, 10 इधर आएगा डेसिमल, ये अगेन 10,
अगेन 10, अगेन 10 और ये आ गया 6. सो रुपीज 6000 इज द आंसर. सो इजी इजंट इट. देखा बच्चे लोग, प्रॉब्लम सेट नंबर 41 भी हो गया. इजी था कि नहीं? एक ही मैंने रूल बोला है, डेसिमल फ्रैक्शन एडिशन हो सब्ट्रैक्शन हो, डेसिमल के नीचे डेसिमल आना जरूरी है. ओके अगर एक ये रूल आप ध्यान में रखते हो तो एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो, वेरी वेरी इजी. इट इज लाइक नॉर्मल एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, करेक्ट? ओके अभी हमारा प्रॉब्लम सेट नंबर 41 तो हो गया. अगर बच्चे लोग मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज शेयर देम विद मोर एंड मोर स्टूडेंट्स. एंड इन केस अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आपने तो तुरंत कर दीजिए. ओके क्योंकि अगला वीडियो लेके मैं जल्दी ही वापस आऊंगी. तब तक क्या करना है बच्चे लोग, स्टडी वेल एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज यस एंजॉय स्टडी. बाय.